दोस्तों, जैसा कि हमने बचपन से पढ़ा है कि प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन, यानी कि हमारे जितने भी ग्रह हैं वे सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह टेक्निकली सही नहीं है? और यदि यह सही नहीं है तो फिर सही क्या है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में एक फोर्स कार्य करता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और यह ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लागू होता है, और इसी फोर्स के माध्यम से एक पॉइंट बनता है जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। दोस्तों, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी यानी कि बेरी सेंटर, ऐसा ही है हमारे सूर्य सिस्टम में। हमारे सूर्य सिस्टम का 99.9% मास हमारे सूर्य में ही निहित है। तो हमारे सूर्य सिस्टम का यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे सूर्य के पास ही है। सो यह देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य भी खुद बेरी सेंटर का चक्कर लगाता है और सारे प्लैनेट भी बेरी सेंटर का ही चक्कर लगाते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। यदि हम एक स्केल को अपनी उंगली पर बैलेंस करें तो उस स्केल के बीच के हिस्से को उंगली पर रखने से वह बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यदि हम एक हथौड़ी को बैलेंस करें तो वह बीच से रखकर नहीं होगी बल्कि लोहे के पास वाले हिस्से को उंगली पर रखने से होगी। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।